कोरोना संक्रमण की चेन टूटती नजर नहीं आ रही। लॉकडाउन में ढील के बाद से लोग लापरवाह से नजर आ रहे हैं। बाजार में भीड़ जुट रही है, नियमों का पालन नहीं हो रहा। ऐसे में प्रशासन हर संभव प्रयास में जुटा हुआ है। इसी के चलते फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों को हिदायत दी गई। सिंगरौली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर जिले के देवसर बाजार में एसडीएम विकास कुमार सिंह, एसडीओपी आशुतोष द्विवेदी, तहसीलदार दिवाकर सिंह बघेल और थाना जियावन के पुलिस जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया और जन जागरूकता अभियान चलाकर शहर के व्यापारियों व फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले लोगों को हिदायत भी दी गई। व्यापारियों को देवसर एसडीएम व एसडीओपी ने सख्त लहजे में कहा कि दुकानों में आने जाने वाले सभी ग्राहकों को व्यापारी मास्क लगाकर ही सामान का विक्रय करें और स्वयं भी मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। सफेद पेंट से दुकानों के सामने बनाए गोलों में ग्राहकों को खड़ा कर ही सामान विक्रय करें, अन्यथा नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही देवसर शहर भ्रमण करते हुए लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी गई। बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों पर एसडीओपी देवसर ने 100 से अधिक वाहनों के ऊपर चालानी कार्रवाई भी की। मोटरसाइकिल से चल रहे 3 सवारियों व मुंह पर मास्क ना लगाने वालों का भी चालान किया गया। एसडीएम ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी, साफ शहर की व्यवस्था ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। सुरक्षित जनता है, लेकिन सुरक्षा तभी रहेगा जब तक कि हम जनता और हम सभी लोग मिलकर के जब तक कि बचाव नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तो तब सभी लोग असुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए सभी को ये समझाइश दी जा रही है, घूम घूम करके हम लोगों ने और एसडीपी साहब, पूरी फोर्स, तहसीलदार, सभी लोग लग करके सभी को दुकानदारों को बताया, आम जनता को समझा रहे हैं कि मास्क लगाइए, दूरी बनाइए, एक दूसरे के करीब ना जाएं, ये समझा करके लोगों को सुरक्षित किया जा रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।